हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ग्रेविटेशन क्या होता है वो हम थोड़ा आइडिया ले चुके हैं, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जिससे मुझे कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो सके। डन। जैसा कि हम अभी थोड़ा अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर में मुझे पता था कि हमारे पास कोई भी चीज़ फॉल होती है, और याद रखना, कोई भी चीज़ मतलब क्या, आपका मैटर जिसके पास मास होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कोई भी मैसिव आपका मैटर है ना, मैसिव बॉडी, तो जिस भी बॉडी के पास मास होगा और वो गिरेगी, गिरना उसका, फॉल होना, तो वो क्या होता है मेरे पास, ड्यू टू ग्रेविटी। डन। मतलब क्या, किसी भी चीज़ का फॉल होना ग्रेविटी के कारण होता है। हमने देखा था जैसे कि जब न्यूटन बैठा था पेड़ के नीचे तो एप्पल गिरा था, है ना, वैसे ही बारिश का गिरना, रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सब क्यों हो रहे हैं मेरे पास, ग्रेविटी कारण, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी उन्हें खींच रही है। वो क्यों खींच पा रही है या वो क्यों फोर्स एग्जर्ट अपने पास फील कर पा रहे हैं, क्योंकि उन सब के पास क्या है, मास। और याद रखना बच्चों, मास थोड़ा हो या बहुत ज़्यादा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो फील होगा ही होगा। एक केस है जब ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होगा, जब मास ना हो उसके पास। अब मास नहीं है तो वो मैटर भी तो नहीं कहलाया जाएगा, है ना बच्चों। तो हमें पता है कि अगर कोई भी मैटर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली उसके पास मास होना ही होना है। बहुत ज़्यादा हो सकता है या फिर बहुत कम हो सकता है। जैसे हम बात करें अर्थ की, बात करूँ, बहुत ज़्यादा मास है ना, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो बहुत कम मास है, लेकिन दोनों के पास मास है, दोनों के पास ग्रेविटी का असर पड़ेगा, किसी पे बहुत ज़्यादा, किसी पे बहुत कम। और साथ ही साथ बता दूं मैं बच्चों, जितना ज़्यादा, हम कल बात की थी कि मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड करता है मास के, मास पर, जो ऑब्जेक्ट के मास पर, कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। डन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पे भी लगेगा, है ना, आपका अर्थ पे भी लगेगा, बट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा और अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, है ना। चले, ये बात हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, और हमने साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर में आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ उसे भी पढ़ लिया था बच्चों। और साथ ही साथ बता दूं बच्चों कि आप उस पर कितने भी स्टार लगा लो, बट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको मिस नहीं करना, उसे आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जितना अच्छे लिखोगे आप उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, और डेफिनेटली वो आता ही आता है। इसके बेस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ओके, तो जो ग्रेविटेशनल लॉ है मेरे पास उसे आपको रिवाइज़ करना है, और उसके थ्रू हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, निकाला था, वो क्या था मेरे पास जो मैं लिखने वाला हूँ ऊपर, कि आपको पता था मैं, ये था एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या था मेरे पास, सर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोला था, यही था बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं इसके, ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया था बाय द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जहाँ पे जो कैपिटल जी था वो क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आज हम इस फॉर्मूले को ठीक से समझने के लिए इसे अप्लाई करने वाले हैं कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स में। ओके बच्चों, चलिए फिर देन उसके बाद हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, एक्चुअल में इसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल चुका है कि मेरा जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एनी टू पार्टिकल्स। जैसे कि ये केस था ना मेरे पास, हमने क्या लिखा था, मेरे पास दो पार्टिकल हो, एक का मास m1 है और एक का मास क्या है मेरे पास m2, और इनके बीच डिस्टेंस कितनी है मेरे पास r, तब इनके बीच में लगने वाला फोर्स को भी तो हमने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, यही है। अब क्या किया, हम कुछ केस करते हैं बच्चों जहाँ हमारे पास थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए, उन्होंने बोला कि जैसा आप बता रहे हो अकॉर्डिंग टू द लॉ कि मेरे पास इन दो पार्टिकल, किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक उन दोनों पार्टिकल के मासेस पे, और दूसरा उन दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस पे, है ना। तो अब क्या करते हैं, और ऐसी बात है तो अब हम पार्टिकल का मास चेंज करके देखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या असर पड़ने वाला है, है ना, या फिर हम उन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो गैप है, डिस्टेंस है, उसे चेंज करके देखते हैं तब क्या असर पड़ने वाला है, है ना। अगर उन दोनों पे डिपेंड करता होगा तो शायद ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेंज हो जाएगा। अब हम उसी पे बात करने वाले हैं। ओके बच्चों, किस किस पे, कि मेरे पास अगर डिस्टेंस बढ़ा दूँ दो पार्टिकल्स के बीच की तब क्या इफेक्ट आएगा मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स पे, और साथ ही साथ अगर उनके मास चेंज कर दूँ तो क्या इफेक्ट आने वाला है। ओके चलिए, हम क्या किया, पहले हम चेंज करने वाले हैं बच्चों दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस। हम कंसिडर कर लेते हैं मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक एम वन और एक एम टू। ये वही ऑब्जेक्ट है बच्चों जो यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, वही ऑब्जेक्ट है, सेम मास है ना, m1 m2 वही। पहले इनकी डिस्टेंस क्या थी, r। जब r डिस्टेंस थी तब फॉर्मूला क्या बना, ये फॉर्मूला बना
ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस को मैं कर देता हूँ हाफ। क्या कर देता हूँ मैं, हाफ। ओके, तो अब मेरे पास जो डिस्टेंस इनके बीच के, मैं बोल देता हूँ कि डिस्टेंस मैंने r बाई टू कर दी है। पहले r थी, अब मैंने क्या कर दिया है, r बाई टू। ओके, तो क्या होगा मेरे पास, अब बोलता है बताओ, अगर मैं डिस्टेंस r बाई टू कर दूंगा तो मेरे पास अब क्या फॉर्मूला होने वाला है ना, क्या चेंजेस आएंगे फॉर्मूले में। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तो f इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू। ये तो मैंने चेंज किए नहीं। ओके, मैं चेंज किया डिस्टेंस, तो जहाँ r था वहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा, r बाई टू। नीचे क्या था मेरे पास, r स्क्वायर। हमें पता है नीचे r स्क्वायर आता है, इसी कारण मैं बोल सकता हूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये क्या होता है मेरे पास, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, मतलब जब भी मेरे पास कोई क्वांटिटी है, मेरे पास जो फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ साथ वेरी करे, और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ साथ, वो भी इन्वर्सली। ओके, तो ऐसे फोर्सेज को क्या बोलते हैं कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। ओके, चले तो हम बोल सकते हैं, तो जो आर था वो क्या आएगा मेरे पास, आर बाई टू का होल स्क्वायर, यही आएगा ना बच्चों। अब सॉल्व करते हैं इसे फर्दर, तो क्या आने वाला है मेरे पास, जैसे कि जी एम वन एम टू आर स्क्वायर अपॉन फोर आ जाएगा मेरे पास, कि टू का स्क्वायर क्या होता है फोर। और हम मैथमेटिकली देख सकते हैं कि ये फोर कहाँ जाने वाला है, फोर जाएगा ऊपर इसके मल्टीप्लीकेशन में। तो हम बोल सकते हैं क्या कि फोर इंटू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। और हम ऊपर देख के आ चुके हैं कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है मेरे पास, फॉर्मूला मेरे पास सिंपल एफ का। डन बच्चों, मैं बोल, और मैं इसे बोलता हूँ कि ये एफ डैश निकालना है मुझे, क्या निकालना है मुझे, एफ डैश, जब मैं डिस्टेंस हाफ कर दिया तब। तो हम बोल सकते हैं कि जो एफ डैश है, एफ डैश इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एफ। डन बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ में। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं डिस्टेंस हाफ कर देता हूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला है, मेरे पास जो फोर्स लग रहा है उनके बीच का, वो फोर टाइम्स हो जाता है। ओके बच्चों, मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस हाफ करी, फोर्स चार गुना हो गया मेरे पास। ओके, ऐसे ही मैं करता, मैं फोर्स कर डिस्टेंस में करता आर बाई थ्री टाइम, तो फोर्स कितना हो जाता है मेरे पास, नाइन टाइम्स। अगर मैं करता आर बाई फोर टाइम्स कर दी मैंने डिस्टेंस, पहले आर दिया मैंने आर बाई फोर कर दी, तो फोर्स कितना हो जाता है मेरे पास, सिक्सटीन टाइम इंक्रीज हो जाता। ओके बच्चों, ऐसे हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये डायरेक्टली आपसे पूछा भी जाता है ना। चले अब क्या करते हैं, ये तो क्या मेरे पास केस फर्स्ट। अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, डिस्टेंस चेंज नहीं करते, अब हम मास चेंज कर देते हैं। ओके बच्चों, क्या चेंज कर देते हैं हम, मास, इसलिए एम वन है हमारे पास, है ना, एम वन। अब हम चेंज कर देते हैं बच्चों मास। ओके, इसे आप नोट कीजिए, मैं रब कर रहा हूँ, है ना। चलिए, हम चेंज करने वाले मास, जो पहले ऑब्जेक्ट था एम वन, उसे मैं क्या कर रहा हूँ, उसका मास मैं बढ़ा कर देता हूँ टू एम वन। ओके बच्चों, पहले क्या था m1, अब मैं करता हूँ उसे 2m1, और दूसरा मास था उसे भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, उसे मैं कर देता हूँ 4m2। ओके बच्चों, पहले क्या था मेरे पास, m1 को मैंने बढ़ा दिया 2m1 कर दिया, और जो m2 था उसे मैंने बढ़ा के क्या कर दिया 4m2 उनके मास को। और जो डिस्टेंस थी, अब मैं डिस्टेंस जो r है वो r ही बनी रहने देता हूँ, इसमें कोई बदलाव नहीं करने वाला। डन, मैंने पूछा था बताइए इस केस में आपका एफ डैश क्या होने वाला है। ओके, तो एफ तो जनरल ये है ही मेरे पास पहली केस के लिए, कि जब मैंने कुछ चेंज नहीं किया, दो मासेस थे और बीच की डिस्टेंस आर थी तब। ओके, चलिए अब देखते हैं किसके लिए मेरे पास, अब देखते हैं इसके लिए एफ डैश क्या आने वाला है मेरे पास, एफ डैश, तो वही फॉर्मूला वही है बच्चा मेरे पास, क्या आपका जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। इस चीज़ तो मेरे पास जनरल, मेरे पास ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला, एफ का फॉर्मूला है ना। अब मैं एफ डैश निकालता हूँ इसके, फिर अब निकालते हैं उसका एफ डैश, वो क्या होगा मेरे पास, जी एम वन की वैल्यू कितनी है बच्चों, टू एम वन, तो इंटू टू एम वन इंटू एम टू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, फोर एम टू। ओके, बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी कर दी है, आर है, आर ही मैंने छोड़ दिया। ओके बच्चों, जब सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं फर्दर क्या होगा मेरे पास, टू फोर जा एट, तो मैं एट को कर लेता हूँ अलग, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास जो फोर्स हो चुका है वो प्रीवियस फोर्स के कंपैरिजन में कितना कम या कितना ज़्यादा हो चुका है। तो अब मैं कोशिश करूँगा मेरा जो फॉर्मूला है वो प्रीवियस फोर्स जैसा ही मुझे दिखने लग जाए, जो मेरा प्रीवियस फोर्स का फॉर्मूला है इसी के जैसा दिखने लग जाए। ओके, इसलिए मैं जो नंबर्स हैं उन्हें अलग से मल्टीप्लाई करके अलग कर लेता हूँ, देखने में मुझे अलग से दिखाई देगा। ओके बच्चों, चलिए तो एट इंटू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब क्या देखते हैं,
ये किसकी वैल्यू मेरे पास, हम पीजीवीसी करके आ चुके हैं, मेरे पास पहली कंडीशन की, जब मेरे पास डिस्टेंस r थी और मास m1 और m2 थे, मतलब कि ये क्या है, ये f है मेरे पास। ओके बच्चों, तो हम बोल सकते हैं क्या होगा मेरे पास, जो f डैश आने वाला है दैट इज 8 टाइम्स ऑफ क्या है ये, तो f के बराबर है 8 टाइम्स ऑफ f। इट मीन्स मेरे पास क्या हुआ, अगर मैं डिस्टेंस चेंज नहीं करता और क्या करता हूँ आपका मासेस बढ़ा देता हूँ, तो अभी मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं, मेरे पास ये बढ़ जाएगा। ओके एक मिनट रुकना बच्चों, है ना, शायद ये थोड़ा सा स्क्रीन से आउट हो गया, इसे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ इस तरफ आके, है ना। तो मेरे पास क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरे पास वो आपका एफ डैश इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ एफ, डन। आई थिंक ये आपको विजिबल होगा। ओके बच्चों, खैर आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम इस पर क्या करते हैं, पहले हमने चेंज किया डिस्टेंस बीच का, अब हम फिर हमने चेंज किया मास, अब हम डिस्टेंस और मास दोनों को एक साथ चेंज करने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या असर आएगा, है ना, क्या फिर भी फोर्स आपका चेंज होगा या फिर नहीं होगा, वो देखेंगे इसे रफ करने के बाद। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये भी नहीं आया होगा ना स्क्रीन में, चलिए देखते हैं। खैर ओके बच्चों, तो अब क्या करने वाले हैं, मैं मास भी चेंज करूँगा और आपका डिस्टेंस भी चेंज करूँगा, फिर देखते हैं कैसे होगा, है ना। अब मैंने क्या किया, मास को कर दिया 2m, m1 वाले मास को, m2 वाले मास को भी क्या कर दिया मैंने 2m2। ओके दोनों को मैं 2 टाइम्स कर दिया, और इनके बीच की डिस्टेंस थी इसे मैंने क्या कर दिया आपका r/2, डन बच्चों। मतलब मैंने क्या किया, मासेस बढ़ा दिए, डिस्टेंस कर दी मैंने हाफ। अब बताइए क्या होगा, फोर्स का फर्क पड़ेगा, करेंगे वही तरीका है मेरे पास कि f मेरे पास जनरल फॉर्मूला है, वो क्या है मेरे पास जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, डन। बट अब जो मैं f डैश निकालने वाला हूँ फॉर द दिस कंडीशन, f डैश ये क्या होने वाला है मेरे पास, जी एम वन की वैल्यू कितनी मेरे पास बच्चों, 2m1 इंटू 2m2 अपॉन r/2 स्क्वायर, मतलब r²/4। आई वसन में कोई डाउट बच्चों इसमें, अब मेरा मेन मोटिव क्या है कि अपने इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले की शक्ल में लेके आऊँ, तो मैं नंबर्स को कर लेता हूँ अलग सेपरेट और इसे इस फॉर्मूले की इस फॉर्मूले के आने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या कोशिश कामयाब होगी। 2 × 2 = 4, और ये 4 आपको पता डेफिनेटली कहाँ जाने वाला है, ऊपर मल्टीप्लाई में, मैथमेटिक्स कहती है हमारी, है ना। चलिए तो 2 × 2 = 4 था, और 4 आगे मल्टीप्लाई मतलब क्या हो गया आपका, 4 × 4 जा कितना होता है 16, 4 × 16 6g m1 m2 upon r², डन बच्चों। कैलकुलेशन देखते चलना अपने साथ साथ, है ना। ओके तो ये किसकी वैल्यू होगी मेरे पास, f डैश की, और जैसे कि मुझे पता है कि ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू है बच्चों किसकी, f की वैल्यू है, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो f डैश है मेरे पास, f डैश इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ f, तो क्या हुआ मेरे पास, f इंक्रीज हो जाएगा कितना, 16 टाइम्स पहले के कंपेरिजन में, अगर मैं इसके मासेस को 2 टाइम्स कर दूं और बीच की डिस्टेंस को क्या कर दूं मैं आपका हाफ कर दूं, डन बच्चों। आई थिंक आपको अब सवाल समझ में आ ही गए होंगे कि ऐसे बहुत सारी कंडीशंस पूछी जाएंगी आपसे, अलग अलग कंडीशन दी जाएंगी, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ईजी है, बस थोड़ा सा एक बार समझना है, बाकी आप अपने आप कर ही लेंगे। ओके बच्चों, इससे मुझे क्या समझ में आता है कि मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास और डिस्टेंस पर वेरी करता है, कैसे वेरी करता है वो भी हमने देख लिया, क्योंकि हमें पता था कि फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन अब कितना बढ़ जाएगा वो बताना हो तो मुझे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, कितने टाइम्स हो गया, डबल हुआ या ट्रिपल हुआ, वो सब कुछ ऐसे ही सॉल्व होगा, डन। ऐसे बहुत सारे केस और भी आएंगे, आप प्रैक्टिस करना, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो हमेशा की तरह, है ना। चलिए ये तो बात हुई बच्चों किसकी, आपकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, तो इसे हमें बार बार याद करना है, रिवाइज करना है, और इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि ये लॉ किसके लिए है मेरे पास, बॉडीज़ के लिए या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल है ये, बॉडी में यूज़ कर सकता हूँ, बट मैंने आपको बताई थी बारीकी उसकी कि जो डिस्टेंस होती है वो सेंटर टू सेंटर होती है, अगर मैं बॉडी को कंसीडर कर लूँ एज अ पॉइंट मास, और कैसे कंसीडर होगा मेरे पास पॉइंट मास, अगर मेरे पास जैसे मैंने माना कि ये दो बॉडी हैं, एक बॉडी और दो बॉडी, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है
आर, मैं मालूम कि डिस्टेंस जो आ रेडियस है वो आर है ना, लेट बी कंसीडर ना आर। तो अगर ये आर बहुत 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 ज़्यादा बड़ा हुआ कंपेयर टू इनकी रेडियस के, तो मैं इन बॉडीज़ को भी एज अ पॉइंट साइज कंसीडर कर सकता हूँ। ओके बच्चों, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्टेंस जो आर और आर में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये ज़्यादा छोटी नहीं है मेरे पास कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं उसे एज अ पॉइंट साइज कंसिडर नहीं करूँगा। तब मुझे जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो वो पहली बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक की करनी पड़ेगी। अब मैं सरफेस से सरफेस तक की ली, मेरा आंसर डेफिनेटली क्या होने वाला है, गलत। डन बच्चों, इस चीज़ को ख्याल रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप ज़रूर गलती करोगे, मेरा पूरा विश्वास है, यदि आप इसे ध्यान नहीं दोगे तो। ओके चलिए, रफ करते हैं इसे, ध्यान आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जैसे कि हम फोर्स क्या होता है वो तो हम जान चुके हैं, अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। जैसे कि जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो हम इम्पोर्टेंस के बारे में जान चुके थे कि इम्पोर्टेंस क्या है ग्रेविटेशन फोर्स के, बट अब हम दोबारा एक पर्टिकुलर हेडिंग डाल के लिख लेते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में, और आपको ऑलरेडी पता भी है क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आपको पता है कि जो रेन होती है, रेनफॉल किसके कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता, बारिश की बूंदें हवा में ही टंगी रहती, नीचे नहीं आती कभी। डन, स्नोफॉल वो भी रीज़न क्या है मेरे पास, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने देखा होगा हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स है मेरे पास, वो भी किस लिए है मेरे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो मेरा जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर पाती। ओके बच्चों, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हम बोलते हैं मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पर लाइफ नहीं है, है ना, वो किस लिए, कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम है। क्यों, क्योंकि मून का मास कम है, मून का मास कम है इसलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा एग्जर्ट नहीं कर सकता जिससे मेरे पास एटमॉस्फेयर के पार्टिकल रुक पाए, इसलिए वो चले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है गैसेस बहुत हल्की होती हैं, है ना, हल्की होती मतलब क्या, वो उड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, फैलना चाहती हैं, अगर उन्हें कोई बांध सकता है तो बांध ले, अदरवाइज वो तो निकल जाएंगी। तो ग्रेविटी जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है वो तो उन्हें बांधे रखे हुई है, बट मून की ग्रेविटी इतनी नहीं है कंपेयर टू अर्थ, जो या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मेरे पास आपकी स्पीड है, जो आपके गैस पार्टिकल की स्पीड है उनके कंपेरिजन में इतनी नहीं कि उन्हें वो बांध सके, रोक सके, इसलिए वो पार्टिकल्स चले जाते हैं और हम बोलते हैं कि मून पे आपका एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके बच्चों, क्यों, क्योंकि मेरे पास ग्रेविटी है। ओके चलिए, खैर और बात करते हैं इसमें, जैसे कि आपने देखा होगा टाइड्स का, जो समुद्र होते हैं बस सी, उनमें जो टाइड्स उठते हैं मतलब बड़ी बड़ी लहरें, उनका रीज़न भी क्या है मेरे पास, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे उठते हैं जरा उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है अगर कोई भी मैसिव बॉडी होगी तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, है ना, तो बताइए क्या मून के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अपना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मून के पास क्या है, मास, और जिसके पास मास वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स, अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जर्ट करेगी, है ना। तो क्या होगा, तो क्या होता है, आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता रहता है, है ना, जब मून एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब कभी मून अर्थ के सबसे ज़्यादा पास होता है, राउंड लगाते लगते एक ऐसी पोजीशन आती है जब वो आपके अर्थ के सबसे ज़्यादा पास होता है, और आपको पता भी हमने देखा कि डिस्टेंस कम हो जाती थी तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता था, और जब वो अर्थ के सबसे ज़्यादा पास होगा तो क्या करेगा, मून अर्थ पर बहुत ज़्यादा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, है ना, और जैसी फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, मेरे पास जो चीज़ फिक्स है अर्थ से, पहाड़ हुए, बिल्डिंग, वो तो फिक्स है, वो तो नहीं उड़ेंगी ना, लेकिन जो वेरिएबल है जो फिक्स नहीं है, जैसे कि वाटर, तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। तो सन क्या होता है, मेरे पास सीज में मेरे पास जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ उठता है, पर जैसे ही ऊपर उठता है तो अर्थ की तो ग्रेविटी है वो उसे वापस खींच लेती है, तो ऊपर उठाता है मून और खींचती है मेरे पास अर्थ, ऐसे ही जैसे नीचे गिरता है तो लहरें जनरेट होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची लहरें आती हैं, जिसे हम टाइड्स बोलते हैं, वो भी क्यों, क्यों ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो शायद हम भी ना होते यहाँ पे, हम भी कहीं ना कहीं घूमे होते, हम होते ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो वही चीज़ है। ऐसे ही मेरे पास टाइड्स का रीज़न भी क्या है, मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे और भी इंपॉर्टेंस है, जैसे आपने देखा होगा सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम फिक्स पैटर्न पे चल रहा है आराम से, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है, अर्थ के चारों तरफ मेरे पास मून चक्कर लगा रहा है, ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट्स किसी और प्लैनेट्स के चारों तरफ, स्टार्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो क्यों, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके बच्चों, वो जो घूम रहे हैं ना वो भी कारण क्या है, मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, अगर वो नहीं होता वो फिक्स पाथ में घूमते ही नहीं, उसके चारों तरफ ही नहीं घूमते मेरे पास, मतलब सोलर सिस्टम नाम की चीज़ इस्टेब्लिश ही नहीं होती अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की कोई चीज़ होती नहीं, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मास है सबके पास तो सब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेंगे। डन, तो ये होगी मेरे पास इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई बस, हमें बच्चों को डाउट इस चीज़ में,
चलिए, आप चाहिए तो इन सारे पॉइंट्स को एक पर्टिकुलर हेडिंग बना के अपने नोट्स में कॉपी कर सकते हैं। डन। चलिए, ऐसे और सारे इंपॉर्टेंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। बस हमने बोला था ना, कोई भी अगर मैसिव बॉडी गिरेगी तो मतलब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। डन। चलिए, देन और बात करते हैं एक पास। अब बात करते हैं, जैसे हमने फोर्स तो हमने जान लिया कि क्या होता है ना, कैसे कैसे किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, उस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है मेरे पास। और हम पहले ही बात कर चुके हैं, बट पर्टिकुलर हेडिंग डाल के लिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, हमें लगेगा कि हमारा ये चीज़ हो चुकी है ऐसा करके। चले, तो जैसे कि हमें उसकी जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पास जो प्लैनेट है उसके मासेस, जो जिन भी ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है उनके मासेस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये हम जानते हैं। साथ ही साथ उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी हम जानते हैं। और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण इसे हम बोल सकते हैं कि जो ये फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है ना, ये हम जान चुके हैं। ओके, चलिए, देन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें जाननी है और वो बहुत काम की है मेरे पास, वो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं आपका सेकंड चैप्टर में ना। देखिए, जैसे मैं बोला कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक एम वन और एक एम टू, दोनों के मास डिफरेंट है, एम वन इज नॉट इक्वल टू एम टू। ओके बच्चों, दोनों के मास अलग अलग है मेरे पास, तो क्या होगा, मास अलग अलग है तो क्या होगा, इसके द्वारा फोर्स, इसके द्वारा फोर्स, दोनों एक दूसरे में जो फोर्स लगाएंगे वो भी अलग अलग होंगे हमारे पास, हाँ या ना, हाँ नहीं, यही चीज़ है। क्योंकि हमें पता था कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो m2, अब मैंने बोला कि m2 अगर ज़्यादा होगा m1 से तो क्या m2 ज़्यादा फोर्स लगाएगा m1 पर और m1 कम फोर्स लगाएगा m2 पर, क्या ऐसा बोला, नहीं ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है। डन बच्चों, आई वसन में कैसे, अब उस पर बात करते हैं। मुझे दिख रहा है कि मास चेंज हैं दोनों के एक दूसरे के, बट ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगाएंगे। बात करूं फोर्स की, तो जितना फोर्स m2 m1 को अपनी तरफ खींचने के लगाएगा उतना ही फोर्स m1 m2 को अपनी तरफ खींचने के लगाएगा। जैसे मैंने बोला कि जितना फोर्स मेरे पास बोलता हूँ, इसे हम बोलते हैं इसका आप एफ डैश, इसे एफ डबल डैश। टेन में चो वन टू छोड़ देते हैं, कन्फ्यूजन होगी क्या फ़ायदा। ओके, तो जितना फोर्स m2 ने m1 पे लगाया अपनी तरफ उतना ही फोर्स m1 m2 पे लगाएगा अपनी तरफ खींचने के लिए, तो हम बोल सकते हैं f डैश इज इक्वल टू f डबल डैश बट विद नेगेटिव साइन वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब क्या हुआ, दोनों फोर्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये इधर लगा रहा है तो वो उधर लगा रहा है बट सेम मैग्नीट्यूड के। ओके बच्चों, आई बात समझ में। अब ये चीज़ बताई सर आपने कि भैया मास अलग अलग हैं तब भी लेकिन फोर्स दोनों सेम लगा रहे हैं एक दूसरे पर, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या चीज़ है मेरे पास। और ऐसा पॉसिबल है, एक्सप्लेनेशन लॉ को फॉलो करता है, ये डेफिनेटली पॉसिबल है, ये करेक्टरिस्टिक्स से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल है तो एक क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में, क्या, जैसे कि ये चौक है, अगर इस चौक को मैं ड्रॉप करता हूँ, छोड़ता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा, अर्थ इसे अपनी तरफ खींचेगी। ओके, आपने बताया सर जितना फोर्स m1 लगाएगा m2 पर उतना ही फोर्स m2 लगाएगा m1 पर। डन। ओके, तो जितना फोर्स अर्थ लगा रही है चौक पर उतना ही फोर्स चौक अर्थ पर लगाएगी, लेकिन चौक तो नीचे जाती है बट अर्थ ऊपर नहीं आती है। इसके पीछे का रीज़न देखिए भाई, दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर लगाए ना, जितना फोर्स चौक लगा रही है किस में, अर्थ पर, उतना ही फोर्स अर्थ चौक पर लगा रही है, तो चौक अर्थ को अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचना चाहेगी लेकिन चौक नीचे की तरफ जा रही है, अर्थ की तरफ जा रही है, ऐसा क्यों। तो मैं बता दूं उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मुझे बारीकियाँ बताएं फोर्स के बारे में, जैसे मैं बताया था आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मुझे फोर्स पढ़ के आ चुके हैं, तो दोनों का एक दूसरे में लिंक है, तो मुझे अगर फोर्स की बारीकियाँ पता हैं तो मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर बता सकता हूँ। जैसे कि आपको बताया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, है ना। जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि लगने वाला फोर्स दोनों का बराबर होगा, है ना, मतलब क्या रहेगा, फोर्स कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर फोर्स मेरे पास कॉन्स्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन एम इज इक्वल्स टू ए। ओके, फोर्स है मेरे पास कॉन्स्टेंट, हमें पता है जब भी हम कोई कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगाते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए जो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एम। डन बच्चों, इट मीन्स क्या हुआ, जितना ज़्यादा मास कम होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ओके बच्चों, जितना मास कम उतना ही एक्सेलरेशन, और जितना ज़्यादा मास होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा, मास जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना कम।
मास जितना कम एसिलेशन उतना ज़्यादा। तो यही रीज़न है इस चीज़ का कि चौक डाउनवर्ड जा रही है अर्थ की तरफ, बट अर्थ ऊपर की तरफ नहीं आ रही, ऐसा हमें लग रहा है। ओके बच्चों, तो मतलब क्या हुआ, मैं देखा कि चौक का जो मास था बहुत ही ज़्यादा कम था कंपेयर टू अर्थ। तो मैं तो ना बोल सकता हूँ कुछ भी मास नहीं है, क्योंकि अर्थ का मास तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, है ना। तो कंपेयर टू अर्थ चौक का मास बहुत ही ज़्यादा कम था, बट मास कम होने के कारण मैंने देखा कि उसका एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे चौक गिरती हुई दिखाई दे रही है, ऑब्जर्व हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास चेंजेस बहुत बड़े स्केल पे हो रहे हैं, और चेंजेस बड़े स्केल पे होते हुए हमें दिखाई देते हैं, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, डन। बट बात करूँ मैं अर्थ की, तो अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा था, तो एक्सीलरेशन बहुत ही ज़्यादा कम होगा, डन। और जब एक्सीलरेशन बहुत ही ज़्यादा कम है तो मैं उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाऊँगा, और चौक की कंपेरिजन की बात करूँ तो ना के बराबर ही मैं बात करता हूँ। ओके बच्चों, आयोजन में तो वही है कि चौक जब मैं ड्रॉप करता हूँ तो डेफिनेटली चौक भी अर्थ की तरफ जाती है, अर्थ भी चौक की तरफ आती है, बट चौक के अंदर एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा होता है और अर्थ के अंदर एक्सीलरेशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है कंपेयर टू चौक के। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अर्थ तो स्टेशनरी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम मतलब स्टेशनरी मान सकते हैं, इतना कम मतलब मान लीजिए 0.0000 बहुत सारे जीरो, उसके बाद कुछ पॉइंट में नंबर 1, 2, 3 जो भी है, मतलब कि ना के बराबर है ना। तो वही चीज़ है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अर्थ कैसी है, स्टेशनरी है, और चौक मेरे पास मूव कर रही थी, जबकि दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। लगता है ऐसा कि चौक पे ज़्यादा फोर्स लगा होगा इसलिए चौक चलना चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं। धन बच्चों, ये बात क्या हुई मेरे पास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि ये मेरे पास एक्शन रिएक्शन लॉ को भी ओबे करता है। कोई डाउट इस चीज़ में, चलिए आप नोट कीजिए इसे, देन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपने पास, है ना, नोट कीजिए इसे। नोट कर लिए बच्चों आपने, चलिए और देखते हैं, चलिए तो मैं रफ कर रहा हूँ इसे, है ना बच्चों। अब हम करने वाले हैं इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, मतलब कि कुछ कंडीशंस ही हैं, कुछ चीज़ों को मैं सॉल्व करने वाला हूँ जो मुझे जानकारी होनी चाहिए, बट एज अ न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना बच्चों। अब हम जो दो मासेस के लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था फोर्स का, कि एफ बराबर जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, वहाँ मुझे एम वन एम टू की वैल्यू नहीं पता थी, है ना। अब हम कुछ नॉन बॉडीज लेने वाले हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, उनके बीच में लगने वाला फोर्स पता होना चाहिए, हम बस उन्हीं को फाइंड करने वाले हैं। ओके बच्चों, और याद रखना बच्चों, इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें कैलकुलेशन बहुत, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी सी पड़ जाती है, डेसिमल्स का मल्टीप्लाई करना होता है, पावर्स कुछ बड़ी होती हैं उन्हें अरेंज करना होता है ना, तो कैलकुलेशन से डरना मत, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी आपको, बस प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी, है ना। चले, और वो आपको ही करनी है कैलकुलेशन, जब भी मैं सॉल्व करूँगा तो मैं जहाँ तक है मैं कैलकुलेशन लास्ट में छोड़ दूँगा, है ना, या फिर देख लेंगे वो मैं भी कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी होगी इसमें, कभी ज़्यादा डेसिमल्स का मल्टीप्लाई होगा तो मैं बता दूँगा कैसे सॉल्व करना है, बट थोड़ा सा मुश्किल होगा कंपेयर टू नॉर्मल इजी जो क्वेश्चन होते हैं उनके कंपेरिजन में, है ना। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं अब दो नॉन ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पता करने वाला हूँ मैं। दो नॉन ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे कि अर्थ और सन के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्योंकि मुझे पता है सन भी मैं रोज़ देखता हूँ, अर्थ में मैं रहता हूँ, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है मुझे पता होना चाहिए, है ना। आपका अर्थ और मून के बीच में कितना लगता है वो पता होना चाहिए, मेरे और अर्थ के बीच में कितना लगता है वो भी पता होना चाहिए मेरे पास। ओके चलिए, तो हम ऐसे ही कुछ नॉन ऑब्जेक्ट्स को लेने वाले हैं और उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को पता करने की कोशिश करने वाले हैं। डन बच्चों, चलिए लिखते हैं। तो पहले हम केस लिखने वाले हैं मेरे और अर्थ के बीच में कितना फोर्स लगेगा। ओके चलिए, तो मैंने बोल दिया आपका एग्जाम्पल क्या है, स्टेटमेंट आप चाहे जैसे बना लेना, हमने बस ले लिया कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, वन इज़ द अर्थ एंड सेकंड वन इज़ आपका कोई ह्यूमन बॉडी, है ना, या कोई भी एम मास की बॉडी लिख दीजिए आप, है ना, वो अर्थ के सरफेस से कुछ दूरी पे है। एक्चुअल में बच्चों क्या होता है कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है मेरे पास, जो वैल्यू है मेरे पास जी की, जो आएगी स्मॉल जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, वो अर्थ के कुछ डिस्टेंस ऊपर तक जाने पर ज़्यादा चेंज नहीं होती। वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जी की वैल्यू वेरी करती है, वो उस पर हम बात करेंगे। तो हम अब मैं अर्थ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट में मान लूँ, वो क्या मान लूँ, अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ मान लेता हूँ, है ना बच्चों, या आप अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ मानोगे या उसे एक आपका 100 मीटर 200 मीटर ऊपर रखा हुआ मानोगे, बात बराबर ही होगी। मैं बता दूंगा कैसे हम कंसीडर करेंगे उस चीज़ को, है ना। हमने बोला कि ये क्या है मेरे पास अर्थ है ना, थोड़ी अजीब सी बन गई ना अर्थ, अंडाकार बन गई है ना, वैसे होती है बता दूँगा आपको, मेरी अर्थ टोटली स्पेरिकल नहीं होती, थोड़ी बहुत चपटी अंडाकार टाइप की होती है ना, बट हम उसे बड़े स्केल की बात करूँगा, जब मैं उसे छोटा सा उसका अंडाकार शेप होना, ओवल शेप होना, उसे मैं कंसिडर नहीं कर रहा अभी मैं, तो अर्थ को अच्छी सी गोल सी बनाऊँ, अर्थ अपनी है ना,
कोशिश कर सकते हैं बनाने की ना। चौक साथ दे दी मेरा, नहीं बनी, एक और लास्ट बार ट्राई करते हैं, फिर जैसी होगी वैसी मान लेंगे ना। अच्छी वाली चौक से ट्राई करते हैं, मान लेते हैं लमसम कुछ ऐसी ही होगी, है ना। चले, ये क्या है मेरे पास, अर्थ, बाहर ले लेता हूँ, काम पड़ेगा इसमें अंदर। ये है मेरे पास अर्थ, है ना। अब इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे पास बच्चों, यहाँ बोला कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो खड़ा हुआ है ना, इसका मास कितना है एम, और अर्थ का मास कितना है मेरे पास कैपिटल एम बच्चों। ओके बच्चों, अर्थ का मास है कैपिटल एम, और अर्थ का और जो मैन है उसका मास है कि मेरे पास स्मॉल एम, उससे आप 1 kg बोल सकते हैं, या मैं 1 जो भी आप चाहो 1 kg। देखो यहाँ पे चेंजेस बहुत सारे जीरोज में आने वाले हैं, तो एक आध जीरो से फ़र्क पड़ने वाला है नहीं हमारे पास कुछ ज़्यादा, बट मान लेते हैं कि एम का मास क्या है, कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट होगा, 1 kg का है ना, तो कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है, तो पर्सन छोड़िए, पर्सन तो बहुत ज़्यादा भारी होता है, मैं कोई ऑब्जेक्ट बता देता हूँ, है ना। एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेरे पास कितने का है 1 kg का है, डन। और जो अर्थ का मास है, एक्चुअली बच्चों मुझे अर्थ है, मेरी अर्थ है, तो उसके बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है ना, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, तो मैं उसे साइड में यहाँ पर नोट कर देता हूँ आपके लिए। जैसे मेरे पास, मैं अभी अर्थ का, सन का और मून का, इन तीनों के मैं मासेस कंपेयर कर देता हूँ, मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, इससे आपको जब न्यूमेरिकल करोगे तो उनकी हेल्प चाहिए होगी, है ना। तो हम बोलेंगे आपका मास ऑफ अर्थ, ये लिखेंगे हम कितना होता है मेरे पास, मे बी शो हो रहा हो, जब मैं देखता हूँ, एक मिनट रुकिए प्लीज़। शो हो रहा है ना, तुम क्या लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ कितना होता है मेरे पास, 6 × 10⁻²⁴ kg बच्चों, डन। आई थिंक आपको पूरा शो हो रहा होगा ना, पता ले स्क्रीन से आउट चला गया, अरे सेट बिल्कुल शो रहा है ना, सीधे लिख देना, थोड़ा लिखने क्या होगा मेरे पास, 6 × 10⁻²⁴ kg, डन। ये मास ऑफ अर्थ है। अब बात करूँ मास ऑफ मून, मास ऑफ मून कितना होता है मेरे पास, दैट इज 7.4 × 10⁻²⁰ kg, है ना। मास ऑफ सन की बात करूँ मैं, सन आपको पता है बहुत बड़ा स्टार है, बहुत भारी होता है कंपेयर टू अर्थ और मून के, तो कितना होता है मेरे पास, दैट इज 2 × 10⁻³० kg बच्चों, डन। ओके, देन बात करता हूँ रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है मेरे पास, रेडियस ऑफ अर्थ, डन, क्या होगी मेरे पास, 6.4 × 10⁶ m, हम बोल सकते हैं 6400 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 6.4 × 10⁶ m भी बोल सकते हैं, डन बच्चों। चले हम बात कर लेते हैं आपकी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन की। आप देखिए जहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट थे तो मैंने सिंपल डिस्टेंस बात कर ली, अब मैं क्या बात करने वाला हूँ आपकी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन। तो अर्थ और सन तो एक बहुत बड़ी बॉडीज़ है, उन्हें मैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकता, तो मेरे पास जो डिस्टेंस मेजरमेंट करूँगा वो कहाँ से करूँगा मैं, जैसे मैं बोल दूँ कि एग्जाम्पल फॉर दैट इज़ अ सन, दैट इज़ अ अर्थ, है ना, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस, मतलब ये अर्थ की रेडियस आ जाएगी उसके अंदर, सन की रेडियस आ जाएगी, और बाकी ये डिस्टेंस बीच की। ओके बच्चों, हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कितनी होने वाली है मेरे पास, आपका अर्थ एंड सन कितनी होने वाली है मेरे पास, आपकी अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, दैट इज 1.5 × 10⁻¹ m बच्चों। ओके बच्चों, ऐसे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन आपकी अर्थ और मून, अर्थ और मून के बीच की बात करूँ तो मैं कितनी आने वाली है बस 3.8 × 10⁸ m बच्चों, डन। ये कुछ डाटा है, इसे आप नोट कर लेना, जब पता होना चाहिए नॉर्मली, वैसे जब भी अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिया जाएगा कि अर्थ का मास इतना है आपका, है ना, अर्थ की रेडियस इतनी है, बट ना भी दिया जाए तो ये अर्थ के बारे में तो मुझे पता ही होना चाहिए कि अर्थ मेरी अपनी है ना। खैर चलो हम पता करने वाले हैं, जो 1 kg का जो ब्लॉक था और जो मास है मेरे पास अर्थ का कितना है मेरे पास 6 × 10⁻²⁴ kg, है ना। तो अब इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, आपको जैसे ही पता है कि जितना फोर्स ये ब्लॉक लगा रहा होगा अर्थ पे, उतना ही फोर्स मेरे पास अर्थ लगा रही होगी ब्लॉक पर, डन। तो बस फोर्स पता कर लेते हैं कितना लगेगा मेरे पास। ओके बच्चे, याद रखना कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसे आप अपने हिसाब से हैंडल करना। देखते हैं फोर्स कितना लगेगा मेरे पास, एफ बराबर क्या होगा मेरे पास, जी एम वन या एम स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आपका आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों कि इस अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है,
वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सरफेस और इसका कॉन्टैक्ट है बिल्कुल, तो मेरे पास डिस्टेंस जीरो होनी चाहिए। बट जब हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो कहाँ से करते हैं, सेंटर से, इस सेंटर से इस सेंटर तक की डिस्टेंस। बट ये तो एक के जी का ब्लॉक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो रेडियस होगी वो तो ना के बराबर होगी अर्थ के कंपैरिजन में, कि जो अर्थ की रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है ना, 6400 है ना, तो मेरे पास 6400 किलोमीटर है। और इस ब्लॉक की रेडियस मेरे पास मान लो 100 मीटर हुई, 200 मीटर हुई, 1 किलोमीटर भी हुई, तो अभी क्या है, बेकार है मेरे पास, कि मतलब कि नहीं रही ना। तो मेरे पास क्या बोलूँगा कि अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ब्लॉक की जो रेडियस होगी उसे मैं इग्नोर, अब मैं आर मान लूँ ना डिस्टेंस बीच का, ये डिस्टेंस आर मान लेता हूँ, तो जो आर होगा वो मेरे लिए क्या है, बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। इसे आप चाहो तो स्पेरिकल ब्लॉक मान लो, तो वो रेडियस बोलने में अच्छा लगेगा देखने में ना। आप इसे स्पेरिकल ब्लॉक मान लो ना, स्पेरिकल ब्लॉक है एम मास का, इसकी रेडियस क्या आएगी मेरे पास, आर। ये मेरे पास बोल दो आपकी कैपिटल आर, बोल दो मेरा स्मॉल आर, तो जो कैपिटल आर बहुत ज़्यादा बड़ी है कि स्मॉल आर के कंपेरिजन में, तो मैं इसकी रेडियस को तो इग्नोर ही कर सकता हूँ, तो मैं इसकी डिस्टेंस को कंसीडर भी ना करूँ तो अभी चलेगा मेरा काम, है ना। चले चलिए अब देखते हैं क्या होगा मेरे पास। तो फोर्स कितना वाला है, एफ बराबर मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है मेरे पास, 1 kg। जी की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, कल हमने बात की थी, दैट इज 6.67 इंटू 10^10 प्लस 11 माइनस 11 माइनस 11। इसलिए तो मेरे पास ये ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम होता है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती या कम हो जाती तो मेरा ग्रेविटेशन फोर्स भी बढ़ या कम जाता। ओके चले, मास कितना है मेरे पास, 1 kg का छोटा वाला मास, बड़ा वाला मास कितना है मेरे पास, रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6 × 10^24। डन बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट क्या होगी मेरे पास, ये होगी मेरे पास क्या, आपका जो अर्थ ऑफ रेडियस होगी वही होगी मेरे पास रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि मेरे पास इसकी तो कुछ कंसिडर मैं कर नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में। हम क्या बोलेंगे, 6 × 10^24 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन आ चुकी है, अब यही मुझे सॉल्व करनी है, मेरा सीधे आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, याद रखना बच्चों जब भी कैलकुलेशन सॉल्व करनी हो तो आप पहले डेसिमल्स को हटा के पावर वावर को अरेंज करके उसके बाद सॉल्व किया करो, क्योंकि डेसिमल का वो डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना कंपेयर टू नॉर्मल नंबर से थोड़ा हार्ड सा लगता है ना। डेसिमल सब में पहले अरेंज कर लेता हूँ, नंबर्स को जीरोज़ को अरेंज कर लेता हूँ, क्या आने वाली है मेरे पास। देखिए ये है माइनस 11, ये है प्लस के 24, तो मैं पहले जीरो ज़्यादा कर लेता हूँ, 6.67 × 10^1 × 10^24 क्या 24 है ना, आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, 24 को मैं ऐड करूँगा माइनस 11, मतलब माइनस ही होने वाला है, डन, अपॉन 6 × 6 स्क्वायर हो रहा है मेरे पास, दो बार लिख दिया मैंने, × 10^24 × 10^24। डन बच्चों, पावर सॉल्व करते हैं मेरे पास, देखते हैं क्या होने वाली है। हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर 10^24 तो जा ही रही ऊपर से ऊपर, एक सॉरी एक मिनट रुकना, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, रेडियस की मैंने वैल्यू गलत डाल दी, वो आप ठीक कर लीजिए, है ना, मैंने उसे मास में ही पुट कर दिया। रेडियस क्या होती है मेरे पास, आपका 6.4 × 10^2 कितना 6 मीटर्स में। ओके बच्चों, यहाँ पे सब किस में, ऐसा ही यूनिट में रखा हुआ है बस, किलोग्राम में मीटर में, है ना, का होल स्क्वायर। डन सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हुआ मेरे पास, 6.4 × 6.4 × 10^2 दो 6 है, 6 और 6 12, 10^2 क्या आ गई मेरे पास 12। डन बच्चों, सॉल्व करते हैं, देखो 24 में से 11 गए तो कितने बचे मेरे पास, कितने बचे 30, और 30 में से नीचे क्या 12 मेरे पास, 12 खत्म गया कितने बचे मेरे पास, केवल सिंगल 1, मतलब क्या बचा मेरे पास कि f, और डेसिमल हटाएंगे तो दो जीरो नीचे लगाएंगे, और इसका डेसिमल हटाएंगे दोनों का, मतलब दोनों आपस में बैलेंस हो गए, इसके दो डेसिमल, इसके दो डेसिमल खत्म मेरे पास। ओके, तो क्या बचा मेरे पास, 667 अपॉन आपका 64 × 64 है ना, और ये कितना मेरे पास 24 माइनस 11 बचे मेरे पास कितने, आपको 24 में से 10 गए मेरे पास क्या 14 माइनस 13 ऊपर नीचे 12 बचा मेरे पास 10। ओके, ये मेरे पास सॉल्व हुआ। ओके बच्चों, बस इसके आगे आपको करनी है कैलकुलेशन जो कि लेंदी सी लगती है, तो आप कीजिए कॉपी पेन से, और मैं थोड़ी सी बेईमानी करता हूँ, मैं अपने मोबाइल से फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ, है ना, तो आप अपनी कॉपी पेन से कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, और मैं करता हूँ जब तक अपने मोबाइल से, है ना, बताएं जल्दी क्या होने वाली कैलकुलेशन करिए बच्चों। एक्चुअल में ऐसी कैलकुलेशन आपको बहुत सारी मिलने वाली है आपके एग्जाम में, आपके जब भी एग्जाम मिलेगी ऐसी कैलकुलेशन मिलेगी, तो मोस्ट ऑफ द क्या क्या करो, अगर ज़्यादा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपकी कैलकुलेशन है तो आप मेन पावर्स को पहले अरेंज कर लिया करो, क्योंकि मेरे पास जो मेन आंसर देखा जाएगा फिर वो पावर्स में देखा जाएगा, और आपने उसके बाद भी एक दो बार और
काट पीट कर दी है ना, तो अभी सही माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी नॉर्मली बहुत लेंदी ही होती है। या तो पूरी सॉल्व कीजिए या फिर आपको उसका आंसर पता होना चाहिए डायरेक्टली, है ना। ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे ना एग्जाम में वो ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पे आपको ज़्यादा ही डायरेक्टली आंसर नोन होगा, किसका आंसर ये आएगा मेरे पास, बस मुझे पूरा मेथड शो करना है और डायरेक्टली आंसर पुट कर देना है ना। या तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, या फिर अगर कुछ न्यू क्वेश्चन मिलता है, नई कैलकुलेशन मिलती है मेरे पास, तो कोशिश हो कि पूरा सॉल्व हो जाए। बचन कहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो आप पहले पावर्स को बैलेंस कर लेना, थोड़ा ईजी रहेगा आपके उसके लिए ना। इसके अलावा आपके ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते फॉर अ कैलकुलेशन, है ना। तो या तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी या फिर अपने आंसर्स की पावर को अरेंज करके बैलेंस करके उसके बाद छोड़ देना, बाकी जो मैम नंबर काटेंगी तो काटेंगी, या तो कैलकुलेशन फाइंड करो, है ना। चलिए मैं देख लेता हूँ, छोटा एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ जो 1 × 6 है ना, इसका 6 लिखना मैं भूल गया हूँ, और आपने मुझे बताया भी नहीं, और शायद बताया भी होता तो मैं शायद सुन नहीं पाता, क्योंकि इस वक्त केवल आपको मेरी सुननी पड़ेगी, मैं आपकी चाहकर भी सुन नहीं सकता इस वक्त तो, है ना। चलो तो 6 भी आ गया बच्चों, 6 यही होता है कि जब मेरे पास कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी सी होती है तो एक आध चीज़ मिस हो जाती है, वो गलती आप मत करना, प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारी चीज़ें थोड़ी दूर हो जाएंगी, है ना। तो मेरे पास क्या होगी, पावर कितनी रहेगी मेरे पास, 13 बची ना, 13 डन, वो मैंने बैलेंस कर ली पावर को ना। अब सॉल्व करना, अब करना बच्चों कैलकुलेशन की ना, 6.67 इंटू आपकी इंटू 60 लिख देना डायरेक्टली ना, 6 तो था ही पहले से, 60 लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। अब कीजिए कैलकुलेशन, चलिए देखते हैं क्या होगी मेरे पास इसका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कहाँ है मेरे पास, 667 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 64 डिवाइड बाई 64। चलिए इसका जो आंसर आया बच्चों को क्या है मेरे पास, दैट इज एफ इज इक्वल टू 9.7770 के कुछ आता है मेरे पास, 9.77, और आगे फर्दर चलता रहा है। आपको बताया कि 9.77 को हम क्या लिख सकते हैं, 9.8 न्यूटन। देन बच्चों आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ स्क्रीन में आ रहा है नहीं आ रहा ये चीज़, है ना। हाँ शो हो रहा है, ओके क्या बोलेंगे बच्चों, तो मेरे पास जो फोर्स आया मेरे पास आया 9.8 न्यूटन, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा जो ब्लॉक है वो अर्थ पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, सेम अर्थ भी इस ब्लॉक पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, ओके बच्चों। आई समझ में, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, मेन चीज़ मेथड आना चाहिए पूरा, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आपका काम 98% हो गया, बाकी रही बात कैलकुलेशन की, उसके लिए तो आपको करनी ही पड़ेगी, है ना, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, हो जाए तो बहुत अच्छी, ना हो तो फिर आपको पास एक ही लास्ट ऑप्शन होता है कि उसे छोड़ दो, है ना, बस पावर्स को बैलेंस कर दो, लेकिन कोशिश हो 99% कि आपके पास कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए, लमसम आ जाए, कुछ ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, लमसम आ जाए। मैंने तो अभी कैलकुलेटर से निकाली तो मेरे पास एक्यूरेट आ गई 9.8 करके, है ना कुछ, बट आपको कोशिश करनी है कि पूरी एक्यूरेट ना आ पाए तो थोड़ा लमसम आ जाए, बट इतना चीज़ ये चीज़ मेन है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, मेथड आना चाहिए। बात रही कैलकुलेशन की तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना, प्रैक्टिस करोगे एक दो क्वेश्चंस करोगे तो आपको आ जाएगी, ओके बच्चों। चलिए आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, देन अब क्या करते हैं हम, डस्टर कहाँ है, ये थे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ सर्फेस पर रखा हुआ था और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स, है ना। अब हम बात करने वाले हैं किसके बीच में, अर्थ और सन के बीच में बात करेंगे और अर्थ और मून के बीच में बात करेंगे, तो आप इसे एज अ होमवर्क मान लीजिए, ये आपको करना है। हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को, क्या कि आपको फोर्स पता करना है किसके बीच में, अर्थ और मून के बीच में कितना लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ और सन के बीच में कितना लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके बच्चों। ये आप क्या आप ये करना है आपको पता, उसे करेंगे, देन हम अगले लेक्चर में उसके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ओके बच्चों। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मुझे कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है इनकी, और ये वैल्यूज़ जो मैंने लिखी हैं आपको, ये आपको नॉर्मली नोन होनी चाहिए, और खासकर अर्थ के बारे में और सन के बारे में तो पता ही मुझे, अर्थ सन मून ये हमारे आसपास वाले, हम रोज़ इनकी बात करते हैं तो इनके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, तो वही मैंने लिखा है, ओके बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना, ओके बच्चों।